स्टूडेंट्स, कल हमने हिंदी की कॉपी में पार्ट टेस्ट कठिन शब्द व शब्दार्थ किए थे। आज हम उसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे। आप सभी अपनी हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए, इसमें दिनांक पार्ट टेस्ट उसका नाम प्रश्न उत्तर डाल के लिखना स्टार्ट कीजिए। प्रश्न एक है, बुढ़िया ने घर का कामकाज करने के लिए कौन रखे थे? बुढ़िया ने घर का कामकाज करने के लिए कौन रखे, इसका उत्तर लिखिए। नौकर रखे, बुढ़िया ने घर का कामकाज करने के लिए नौकर रखे। इसके बाद एक लाइन छोड़ के प्रश्न नंबर दो लिखिए। प्रातः नौकरों को कौन जगाता था? प्रातः नौकरों को कौन जगाता था, इसका उत्तर लिखिए। प्रातः नौकरों को कौन की जगह लिखना है आपको? बुढ़िया जगाती थी, प्रातः नौकरों को बुढ़िया जगाती थी। इसके बाद एक लाइन छोड़ के प्रश्न नंबर तीन लिखना है। मुर्गे को मारने का विचार किसने किया? मुर्गे को मारने का विचार किसने किया, इसका उत्तर लिखिए। मुर्गे को मारने का विचार रमेश ने किया। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। प्रश्न नंबर चार है आपका, बिना विचारे जो काम करे भावार्थ लिखिए। बिना विचारे जो काम करे फिर पाछे पछताए का भावार्थ आपको इसमें लिखना है, इसका उत्तर है। इस पंक्ति का का
भावार्थ, यह है कि बिना चारे अगर कोई कार्य करते हैं तो उसके बाद पछताना पड़ता है। इस पंक्ति का भावार्थ क्या है कि बिना विचारे क्यों कोई अगर कोई कार्य करते हैं तो उसके बाद पछताना पड़ता है। ये चार प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं, आप सभी अपनी कॉपी में कीजिए। एक बार हम इनका दोहरान कर लेते हैं। गुड़िया ने घर का कामकाज करने के लिए कौन रखे थे? गुड़िया ने घर का कामकाज करने के लिए नौकर रखे थे। प्रश्न नंबर दो है, प्रातः नौकरों को कौन जगाता था? प्रातः नौकरों को गुड़िया जगाती थी। प्रश्न नंबर तीन है, मुर्गे को मारने का विचार किसने किया? इसका उत्तर है, मुर्गे को मारने का विचार रमेश ने किया। प्रश्न नंबर चार, बिना विचारे जो काम करे फिर पाछे पछताए का भावार्थ लिखिए। इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि बिना विचारे अगर कोई कार्य करता है तो उसके बाद पछताना पड़ता है। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में कीजिए और इन्हें याद भी कीजिए।